40 दिन हो गए। हाँ, तो इसके दौरान भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब कोरोना का भी कहर बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप उसे? कोरोना तो अभी 3 तारीख को आएगा, कोरोना तो बंगाल में है ना, अभी वहाँ रैलियाँ होती हैं तो कोरोना नहीं होता, यहाँ किसान बैठे हैं घरों में भी तो बैठे हैं। अभी आप दिल्ली में जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ इलाके खुले नहीं तो सभी भीड़ भड़ाके में झुग्गियों में आदमी रहने लग रहे हैं, यहाँ तो बहुत खुला, हम अपने घरों में बैठे हैं और जो सरकार ट्रीटमेंट देना चाहे हमारे को, यहाँ दवाई पिलाओ कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम अपने घरों में बैठे हैं। जिस दिन हम यहाँ पे आके बैठे उस दिन ये कहा था कानून वापसी दो घर वापसी, वही बात हमारी आज है। और सरकार इस शांतिपूर्वक आंदोलन को ताकत के जरिए कुचलने की का प्रयास न करे, और पहले भी एक ताकत के जरिए उन्होंने कुचलने का प्रयास किया था तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। और हरियाणा के सीएम खट्टर जी बोलते हैं कि मानवता की खातिर किसान बात मान ले, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। देखो खट्टर जी को ये पता नहीं, उनको उनके खुद के गांव में भी नहीं घुसने दिया, कैमला गांव में उनका खुद का गांव, उनका खुद का गृह क्षेत्र हो, क्यों नहीं घुसने दिया? आप ये इस बात का हिसाब लगाओ, क्यों नहीं घुसने दिया? क्योंकि उनके काम ठीक नहीं है। वो बीजेपी के इसलिए? नहीं, बीजेपी के लिए नहीं, पार्टियां तो सभी बराबर होती हैं, लेकिन जो इन्होंने अत्याचार किया ये और पार्टियों को के मुकाबले कई गुना ज्यादा किया है। पहले भी इस प्रकार के कानून आए, इस प्रकार की बातें हुई हैं, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, बाद में मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने किसानों की बात मान के और उन चीज़ों पर अमल करने का काम किया है। तब यही जो 3 काले कानून इनमें से 2 कानून पहले कांग्रेस सरकार के टाइम में लाए गए, उस टाइम पे प्रतिपक्ष नेता लोकसभा सुषमा स्वराज ने उनका विरोध किया, उन्होंने कहा आड़ती तो किसान का एटीएम है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर राज्यसभा में प्रतिपक्ष नेता थे अपने अरुण जेटली, उन्होंने भी कड़ा विरोध किया कि ये हमारे यहाँ यूरोप की तर्ज पे ये काले कानून लाए जा रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जैसे यूरोप और अमेरिका में जबरदस्त नुकसान हुआ ऐसे ही हमारे यहाँ किसान बर्बाद हो जाएगा। तो अब इनमें इतनी अच्छी खूबी कहाँ से आ गई? और प्रधानमंत्री जी तब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो इन्होंने कहा था, इन्होंने स्पेशल पत्र लिखा था भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन जी के पास कि MSP पूरे देश में लागू की जाए, तो आज क्या दिक्कत है? ये खुद प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने खुद रिकमेंड किया था, तो आज लागू करने में क्या दिक्कत है? किसान अपने घर पे 10 मिनट में जाने का काम करेंगे यहाँ से उठ के, किसान को उसके ये 3 काले कानून निरस्त करो, MSP पैक्ट बनाओ। आज प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है MSP थी है रहेगी, थी का है का रहेगी का सवाल नहीं है, MSP पे खरीद की जाए। आज मात्र केवल 6% खरीद MSP पे होती है, 6% जो 94% अनाज रह गया उसको किसान खा लेके जाए, मात्र 6% खरीद होती है, ये कहते है थी रहेगी। इस पद पे होते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को ये बातें शुभ नहीं देती, MSP थी है रहेगी, ये लोगों को बरगलाने की कोशिश ना की जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, कहीं भी आंकड़ों के हिसाब से हमने बात बताई है, मात्र 6% MSP पे खरीद होती है, ये 100% खरीद करें, हम ये भी नहीं कहते गवर्नमेंट खरीद करे, ये खरीद कर रहे हैं इतना ही खरीद करें, ये बाकी कानून बना दिया जाए, इससे नीचे कोई भी व्यापारी खरीद नहीं कर सकता, इसके ऊपर कानून बना दिया जाए। हम ये नहीं कहते 100% गवर्नमेंट खरीद करे, लेकिन इसके ऊपर कानून बना दिया जाए, और कानून में ये स्पेशल ये हो कि इससे नीचे कोई खरीद करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाए। फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये हर चीज़ को प्रायोरिटाइजेशन करने के लिए जा रहे हैं, हर चीज़ का प्रायोरिटाइजेशन, जैसे हमारे हरियाणा में शुगर मिल हैं वो सारे सरकारी हैं, आज हरियाणा में कोई भी पैसा बकाया नहीं किसान का, और हमारे उत्तर प्रदेश में 19,500 करोड़ रुपये आज बकाया है अगर ब्याज समेत उसका लगाया जाए, ये है प्रायोरिटाइजेशन का नुकसान। आज एक खून पसीने की इन लोगों की गाड़े खून पसीने की कमाई है, वहाँ 4-5 एकड़ से बड़ा किसान नहीं उत्तर प्रदेश में, और उनका 19,000 करोड़ 19,500 करोड़ बकाया है, वो किसका है? आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, आंकड़े तो इस समय कोरोना के भी आ रहे हैं। हाँ, आम जनता की सेफ्टी के लिए कुछ तो चीजें आपको माननी पड़ेंगी। हम मान रहे हैं, क्या मानोगे? हम सारी चीजें मानेंगे, हम दवाई भी लगवाएंगे, अपने घरों में रहेंगे, क्या दिक्कत है? आंदोलन से कोरोना का कोई लेना देना नहीं है। आप एक बात बताएं, तब नहीं मेरी सुनो आप पहले, साइन बाग ना लगाया जाए इसको, इस धोखे में ना रहे, नहीं इस धोखे में कोई ना रहे। आंदोलन में भी अब जाति धर्म या भेदभाव, ना ये जाति धर्म का नहीं है, ये जन आंदोलन बन चुका है, ये हर जात हर हर धर्म हर बरादरी का है, ये किसी एक धर्म जात बरादरी का नहीं है, वो
वो धार्मिक जरिए पे इस आंदोलन में नहीं जाया जाए। हर मजदूर का, हर किसान और कमेरे की लड़ाई है ये। किसान कमेरे में 80% देश आता है। ये धर्म का नहीं है, ये मैं आपको बता, इसमें धर्म है तो किसान और कमेरा धर्म है। किसान और कमेरे का आंदोलन है ये। किसान और कमेरे इसको मिलकर लड़ रहे हैं। और किसान कमेरे के अंदर आज एक छोटा, आज जो हमारे यहाँ बाईराड़ी चलाते हैं, पटड़ी चलाते हैं, साप्ताहिक बाजार लगाने वाले हैं, या कोई छोटी मोटे अपने उद्योग फैक्ट्री वाला है, आज जो जो छोटे उद्योग करने वाले हैं वो बिल्कुल रोड पे आ गए। आज एक छोटी दुकान चलाने वाला जो 100 आदमियों को उधार देने वाला था, वो भी आज रोड पे आ गया। सामने भाई बैठा पान के खोखे वाले, ये सब का आंदोलन है। ये एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। ये हर अन्न खाने वाले व्यक्ति की लड़ाई है। देखो मेरी बात बताओ, यहाँ कोई भीड़ है? आप बंगाल में, असम में, वहाँ पे क्या है? ये जो राजनीतिक पार्टी अपनी रैली करती हैं, अभी अभी हरिद्वार में देखो, वहाँ कितनी भारी भीड़ है, हैं कुंभ के मेले में। और उसको भी छोड़ो, आप पहले यहाँ जाओ आसाम से भी संतों ने अपना हाँ हटना अलग कर दिया है। तो बंगाल से भी हटाओ ना, पहले बंगाल से हटाओ, आसाम से हटाओ। नहीं है कोरोना के, कोरोना के आंकड़े नहीं, जहाँ पे इलेक्शन होते हैं वहाँ के ये लोग आंकड़े नहीं दिखाते। ये यहाँ पे झूठे आंकड़े भी पेश करेंगे।